अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है नीड एनालिसिस। टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नीड और एनालिसिस, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि नीड क्या है। नीड का मतलब है गैप्स बिटवीन प्रोग्राम गोल्स एंड द लर्नर्स प्रोफिशिएंसी, यानी प्रोग्राम गोल्स और लर्नर्स की जो प्रोफिशिएंसी है, इन दोनों के जो दरमियान में गैप है, इसको हम नीड कहते हैं। इसी तरह द रीजंस फॉर विच द लर्नर इज लर्निंग इंग्लिश, यानी क्या वजह है कि लर्नर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कर रहा है, ये भी दैट इज द नीड। यानी एक इंसान कोई चीज चाहता है तो वो नीड होती है ना। तो इसी तरह हमारे पास है कि लर्नर जो है वो लर्न करना चाह रहा है, तो ये दैट इज द नीड। उसके बाद हम आते हैं, नीड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नीड को दो कैटेगरीज में कर सकते हैं। एक होती है इमीडिएट, यानी फौरन नीड, यानी वो आप क्या कह सकते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स। एक होती है डिलेड नीड्स। डिलेड नीड्स वो होती हैं जो आफ्टर द कोर्स यानी होंगी। नीड एनालिसिस की तरफ हम आते हैं। नीड एनालिसिस क्या होते हैं, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स नीड, यानी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स नीड। अब पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं कि लर्नर्स की जो नीड है, दैट इज कॉल्ड नीड एनालिसिस। यानी एक लर्नर एक स्पेसिफिक कोई कोर्स आपसे करने आया है, तो इट मींस कि उसकी वो स्पेसिफिक जो है नीड्स हैं, दैट्स व्हाई ही इज देयर टू लर्न समथिंग। सेकंड हमारे पास है, इट इज आल्सो नोन नीड असेसमेंट। इसको हम नीड असेसमेंट भी कह सकते हैं। एस्पेक्ट्स इसके क्या हैं, देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ नीड एनालिसिस। नंबर वन, कि इसकी जो एम्स हैं, इसकी जो स्टडी जो नीड एनालिसिस जो किए जाते हैं उसके एम्स होते हैं। एम्स में फर्स्ट क्या है, द एम टू नो लर्नर्स एज पीपल, एज लैंग्वेज यूजर एंड लैंग्वेज लर्नर्स। यानी पहला एम तो ये है कि वो क्या करेगा कि लर्नर एज अ पीपल, एज अ लैंग्वेज यूजर एंड एज लैंग्वेज लर्नर्स। उसके बाद सेकेंड एम है, हाउ लैंग्वेज लर्निंग एंड लर्निंग स्किल्स कैन बी मैक्सिमाइज फॉर अ गिवन लर्नर ग्रुप। यानी जो लर्नर ग्रुप को हमने जो दिए हैं, ये जो हमारे पास हमने लैंग्वेज लर्निंग है और जो स्किल्स हैं, इनको किस तरह मैक्सिमाइज किया जाए उस ग्रुप तक कि ज्यादा से ज्यादा हम आउटपुट ले सकें। थर्ड हमारे पास जो एम है इसका, या एस्पेक्ट आप कह सकते हैं, दैट इज द टारगेट सिचुएशंस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। कि टारगेट सिचुएशंस और लर्निंग एनवायरनमेंट को जो है वो स्टडी करना भी, दैट इज द एम ऑफ नीड एनालिसिस। जब आप कोर्स डिजाइन कर रहे हो, यानी इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जब आप कोर्स डिजाइन करें तो आपने क्या चीजें अपने माइंड में रखनी है, यानी व्हेन डिजाइनिंग एएसपी कोर्स द डिजाइनर नीड्स टू आंसर दीज क्वेश्चंस। उसको अपने माइंड में ये क्वेश्चंस जो है ना, इनके आंसर्स अपने माइंड में रखने चाहिए। जाहिर बात है, हम एक कोई चीज डिजाइन करते हैं तो उससे पहले हम उस क्वेश्चन के आंसर भी अपने माइंड में रखते हैं कि हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसके आंसर भी ये होंगे। यानी हमारे एक प्री डिसाइडेड होता है ना। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वो ये माइंड में रखें कि व्हाट इंग्लिश डू लर्नर नीड। अब जो लर्नर्स हैं वो कौन सी इंग्लिश सीखनी है, स्पेसिफिक और जनरल। सेकंड, व्हाई डू दे नीड इट, उन्हें इस चीज की यानी इस लर्निंग की जरूरत क्या है, इसे वो कहां पे यूज करेंगे। थर्ड, विच स्पेसिफिक स्किल डू दे रिक्वायर, उनको कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड है जिसके लिए वो ये कोर्स कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट, जब आप कोर्स डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूटिलाइज किए जाते हैं। अब नीड एनालिसिस के भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर नीड एनालिसिस, जो हम नीड एनालिसिस में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्या है, देयर आर अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल फॉर कैरिंग नीड एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, इनफॉर्मल कंसल्टेशन एनालिसिस ऑफ ऑथेंटिक स्पोकन एंड रिटन टेक्स्ट, डेटा कलेक्शन, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनियर। ये हमारे पास नीड एनालिसिस के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यानी आप क्वेश्चनियर कर सकते हैं, आप एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू डिजाइन कर सकते हैं, आप उनसे जो है ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ये हमने पहले भी नीड एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आप जो है वो स्पोकन और रिटन टेक्स्ट जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, जो उन्होंने
वो बोल रहे हैं या वो जो लिख रहे हैं उससे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनके अंदर क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं और उन डेफिशिएंसीज को किस तरह कवर अप किया जाएगा, तो उसके लिए यानी एक आप कोर्स डिजाइन करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ नीड एनालिसिस, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एक है टारगेट सिचुएशन एनालिसिस, यानी जो आपका टारगेट है उसको अपने माइंड में रखते हुए वो उसे हम TSA भी कहते हैं। सेकंड है हमारे पास कंपोनेंट लर्निंग सिचुएशन एनालिसिस, इसे हम LSA कहते हैं। थर्ड है हमारे पास प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस, इसे हम PSA कहते हैं। इनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा सा आपको जो है वो डिफाइन कर दिया है। जैसे TSA यानी टारगेट सिचुएशन एनालिसिस, इसमें क्या है कि आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स और नीड्स एट द एंड ऑफ कोर्स, यानी जो उनकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है लर्नर्स की वो इसमें देखी जाती हैं टारगेट में, यानी टारगेट बनाया जाएगा ना कि उनकी क्या नीड्स हैं। सेकंड क्या है कि आफ्टर द यानी एट द एंड ऑफ द कोर्स उनकी क्या नीड होंगी, क्या वो ये जो कोर्स हम डिजाइन कर रहे हैं क्या ये कोर्स उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेकंड हमारे पास है LSA यानी लर्निंग सिचुएशन एनालिसिस, इट रिफर्स टू सब्जेक्टिव नीड्स, यानी ये सब्जेक्टिव नीड्स है, वो क्या व्हाट लर्नर्स वांट टू लर्न, यानी लर्नर्स सीखने क्या आए हैं, उनका कोई पर्पस है ना, ऐसे तो नहीं आके बैठे हुए, इन जनरल आए हैं या स्पेसिफिक आए हैं कि हम, क्योंकि ये हमारा सारा कोर्स जो है रेलेवेंट है स्पेसिफिक लर्निंग से, स्पेसिफिक पर्पसेस के बारे में, तो अब हम देख रहे हैं कि वो किस लिए आए हैं। थर्ड है हमारे पास PSA जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस, यानी सीक्स टू डिटरमिन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द लर्नर्स। अब इसमें उसने फाइंड करना है कि जी क्या क्या इसके अंदर लर्नर्स की स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या इसके अंदर उनकी वीकनेस है। तो यानी जब आप नीड एनालिसिस के कुछ पैरामीटर्स हैं या आप कह सकते हैं जिसके ऊपर जो है वो कोई भी कोर्स डिजाइन करते हुए स्पेशली इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस डिजाइन करते हुए आपको इन चीजों को माइंड में रखना चाहिए, तभी जो है वो आपका जो है कोर्स वो एक फ्रूटफुल साबित होगा।